केएसपी ऑफ या केएसपी सॉलिबिलिटी लिखा, सॉलिबिलिटी से सॉलिबिलिटी ऑफ AlO छोल थ्राइस इज 13.35 इंटू 10^-3 ग्राम्स पर लीटर. कैलकुलेट इट्स केएसपी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इज, या सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl केएसपी लेते हैं. कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर NaCl इफ केएसपी ऑफ AgCl इज इक्वल टू 10^-10. पहले ये दो क्वेश्चन ट्राई करें, जिसने प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चंस उससे आसानी से निकल जाएगा. ज्यादा से ज्यादा दोनों क्वेश्चन 3 मिनट से ऊपर के नहीं है, दोनों क्वेश्चन मिलाकर.
हाँ कर लिया क्वेश्चन ये वेदांत? हाँ यस सर, ट्राई कर लिया। वेदांत पहले का आंसर बोल। 27 × 10⁻¹⁸ के अप्रोक्स। चलो मैं एक बार आंसर बता रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि तुम सबने कर रखा पहले। 133.35 से डिवाइड किया था। ये आ जाएगा 10⁻⁴ मोलर। केस पी आ गया। अब ये ए बी थ्री टाइप की सॉल्ट है, तो ये ए थ्री प्लस प्लस थ्री बी माइनस। अगर इसकी सॉल्विटी एस तो इसकी भी एस, इसकी थ्री एस। केस पी होगा ए थ्री प्लस बी माइनस का क्यूब एस इंटू थ्री एस का क्यूब 27S4। एस की वैल्यू 10⁻⁴, तो 27 × 10⁻¹⁶ ये आंसर आएगा इसका। किसी को डाउट कोई? सर 10⁻⁴ कैसे आएगा ये बता दो। ये डिवाइड किया ना 133.5 का मास होता है ना, एक बार मास चेक कर लेना कोई गलत ना हो। मैंने तो वैसे कैलकुलेट करके दिया है, और गलत ना हो कोई मास एक बचा कर लेना। AL और सुल्थ्राइस का मास यही आ रहा है कि नहीं? AL 27 और OH हो गया 17। नहीं गलत आ रहा है कुछ मास, 78 है मास, 78 आएगा। हाँ यहाँ गलत हो गया, एक मिनट, मैंने 133.5 इसका दिया था सोच के। चलो कुछ होता है इसको ये कर लेना, 78 से डिवाइड करना है इसको, 78 से डिवाइड करना है। क्लियर हो गया? तो गर्व कैसे करना क्वेश्चन? हाँ सर, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल आ रही थी इसलिए फिर। हाँ कैलकुलेशन मुश्किल आएगी थोड़ी सी, लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, मतलब जो भी है मेरे को दिमाग में था 133.5 किसका मास आता है। AL CL CL का तो नहीं आएगा, AL CL 3 का मास चेक करना है, पर इसका आएगा शायद ना। यस सर, इसका यही है। हाँ इसका वन था, मेरे को इसको देना था। चलो कुछ नहीं होता, अभी क्वेश्चन तो क्लियर है ना कैसे करना है। AL छुत रही जगह AL CL 3 कर दो तो ये सही रहेगा। वेदांत किया ऐसे ही था कि नहीं? बाय मोलर मास किया है कि नहीं? यस सर किया था, फिर मैंने निगलेक्ट कर दिया ऐसे तो। अच्छा चलो अभी एक ये समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट का, दूसरा क्वेश्चन है कॉमन आयन इफेक्ट का। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन नीट में आईआईटी में बहुत जगह आते हैं इसको, इसके ये सब पता ही होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो है देखो, AgCl जो है इसकी सॉल्विटी निकालनी है 0.1 मोलर NaCl के अंदर, इसकी सॉल्विटी निकालनी है 0.1 मोलर NaCl के अंदर, केएसपी दे रखा है AgCl का, तो AgCl का केएसपी दे रखा है। अगर मैं कहूं तुमसे पानी के अंदर इसकी सॉल्विटी क्या है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10⁻⁵। सही ना, 10⁻⁵ एक्स स्क्वायर जो कितना आ गया 10⁻⁰ एक्स आ गया 10⁻⁰। पानी के अंदर इसकी सॉल्विटी इतनी है। अब नेचुरल सी बात है कॉमन आयन आ गया Cl- इसलिए सॉल्विटी इसकी कम होगी। AgCl टूटेगा Ag++ Cl नेगेटिव में, NaCl टूटेगा Na++ Cl नेगेटिव। इसकी सॉल्विटी अब मैंने मान लिया NaCl के प्रेजेंस में x x, NaCl दे रखा है 0.1, ये पूरा खत्म होगा 0.1 0.1, तो KSP दे रखा है इसका 10⁻⁰। KSP जो है AgCl का वो होगा Ag+ इंटू सी एल माइनस, ए जी के एस पी दे रखा 10⁻⁰, ए जी प्लस एक्स है, सी एल माइनस दोनों जगह चेक करो 0.1 प्लस एक्स है, एक्स तो बहुत ही कम होगा, पहले ये 10⁻⁵ आ रहा था, अब तो ये और कम हो जाएगा, इसलिए जो सॉलिबिलिटी है एक्स की वैल्यू वो 10⁻⁹ आई, 10⁻⁹। ये आंसर है, हैंड सेज करेंगे जैसे ये निकाला आंसर जल्दी से, जिसका 10⁻⁹ आंसर है। वेदांत, सिद्धि, आदित्य, कनिष्क, युविका, काजल, देखो अब ये दिमाग में रखना, मैं नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा ये स्टार्ट कर दूंगा एस ब्लॉक के, जिससे लेक्चर नहीं पढ़ूंगा मैं, सुनूंगा तुमसे बैच में, जिससे लेक्चर नहीं पढ़ूंगा मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा एस ब्लॉक के अंदर, तो इसलिए तुम लोग अपना पढ़ के रखना जरूर। लेक्चर करके रखोगे ना, ये इजी क्वेश्चंस है, इसको एज अ टेस्ट लो तुम इन क्वेश्चंस को, एक क्वेश्चन और निकालो चलो, ये किसी बच्चों को ने किया नहीं ढंग से, डाउट है किसी को तो दोबारा पूछ लो, अगर किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। चलो देखेंगे, आदित्य पूछना क्या? नो सर, नो सर।
चलो क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन. सॉलिबिलिटी ऑफ, दो क्वेश्चन करेंगे इसी टाइप के क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए. सॉलिबिलिटी ऑफ से AgCN is 10^-6. Calculate its solubility in point 2 molar AgNO3. एक ये क्वेश्चन करो, एक और. नेक्स्ट है क्वेश्चन, KSP ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaF2 is 4×10^-12. Calculate its solubility in 0.1 molar NaF. निकालो जल्दी दोनों क्वेश्चन.
दोनों के यस सर यस सर हो गए क्या सर पहले वाले का 5×10^-6 सर आपकी वॉइस लैग कर रही अर्णव अच्छा वेदांत यस सर वेदांत सेकंड का क्या आंसर कर रहा है सर फर्स्ट वाले का 5×10^-12 और सेकंड का 10^-10 ये दो आंसर है ना वेदांत एक बार पहला क्वेश्चन बोल क्या था सर उसमें सॉल्युबिलिटी AgCN की गिवन थी 10^-6 और AgNO3 की कंसेंट्रेशन AgNO3 में पूछा था 0.2 मोल सही तो KSP AgCN का हो जाएगा 10^-12 इसमें किसी को डाउट तो नहीं है KSP होता है S2 ये आ गया अब इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है हमें AgNO3 के अंदर AgCN टूटेगा Ag++CN नेगेटिव में तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली x है तो इसकी भी x होगी AgNO3 पूरा टूटेगा Ag++NO3 नेगेटिव में अब इसकी सॉल्युबिलिटी ये दे रखा 0.2 मोलर तो ये भी 0.2 हो जाएगा ये भी 0.2 हो जाएगा दोनों 0.2 हो जाएंगे KSP इसका 10^-12 में डायरेक्ट ग्राउंड में KSP होगा Ag+ × CN नेगेटिव Ag+ दे रखा है x CN नेगेटिव दे रखा है 0.2 CN एक मिनट Ag+ x+0.2 है Ag+ दोबारा देखेंगे ये है x+0.2 मिक्सचर में 0.2+x और CN-x है x तो ध्यान रखना IIT के पेपर में आया था क्वेश्चन पहले चेक जरूर कर लेना पहले सॉल्युबिलिटी 10^-6 थी ना अब ये और कम होगी IIT एग्जाम में जब भी आया ना तो ये नेगलेक्ट कभी नहीं हुआ यहाँ जो मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ मैं बताऊंगा तुम्हें जैसे तुम्हें कभी भी वीक एसिड का क्वेश्चन दे रखा है तो तुम अल्फा के थ्रू चेक करते हो सॉल्ट दे रखा है तो एच के थ्रू चेक करते हो वो 5% से लेस होना चाहिए ऐसे इसमें भी तुम्हें सोचना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी कम है कि ज्यादा है नहीं तो ये नहीं है कि हर बार नेगलेक्ट करेंगे इसमें तो नेगलेक्ट हो रहा है अब यहाँ पे कितना आ जाएगी सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी 5×10^-12 एक्स की वैल्यू जो आएगी वही सॉल्युबिलिटी है चेक कर लो बार ये सॉल्युबिलिटी थी अब दूसरा क्वेश्चन जो था सेकंड क्वेश्चन पहले एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको समझ आ गया जल्दी से जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया जल्दी से हैंड सेस कर देंगे एक बार कनिष्क आदित्य वेदांत अर्णव युविका गर्व सिद्धि छवि जानवी नित्या बॉबी सोनिया साक्षी सिद्ध शिखा देवांशी मयंक कृष्णा आर्यमन काजल चलो नेक्स्ट अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार वेदांत बता दे क्या क्वेश्चन है सर CaF2 का KSP की बनता 4×10^-12 और NaF में पूछा था NaF 0.2 मोल 0.2 मोलर NaF में तो CaF2 का दे रखा है KSP सर 0.1 था NaF 0.1 है तो देखो सर देखो 4×10^-12 दे रखा है KSP CaF2 का है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको
सबको पता है इसका केस पी जो है 4s³ के को लाता है, ये s तो ये 2s, याद है ना, ये पानी के अंदर अगर इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो पानी के अंदर इसकी सॉल्युबिलिटी होगी s की वैल्यू 4 से 4 कैंसिल, 10⁻⁴ आ जाएगा आंसर। पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी इतनी है, अब 0.1 मोलर NaF निकालनी है जबकि कॉमन एन आ गया इसमें तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब कितनी कम होगी ये चेक करेंगे यहाँ पे। इन क्वेश्चंस को दो दो बार जरूर कर लेना खुद घर पे, ये 12th में भी यूज होंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, बहुत सारे चैप्टर में यूज होता है ये। CF2 Ca2+ 2F नेगेटिव में टूटेगा, NaF जो है ये पूरा टूटेगा Na++F नेगेटिव में, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S तो इसकी भी S, इसकी 2S, ये NaF पूरा टूटेगा, 0.1 है तो 0.1 जीरो हो जाएगा, 0.1 ये आ जाएगा। तो KSP इसका दे रखा है 4 × 10⁻½, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू Ca2+ × F⁻² का स्क्वायर। Ca2+ कितना है तुम लोग पूरा लिखना फॉर्मूला, Ca2+ कितना है, एक ही में है Ca2+, Ca2+ है हमारा S × F⁻² का क्या आएगा स्क्वायर, यानी 0.1+2S का स्क्वायर और 2S होगा नेगलिजिबल क्योंकि S की वैल्यू ऑलरेडी बहुत कम है 10⁻⁴, और ये और कम होनी है वैल्यू, तो S आ जाएगा यहाँ से 4 × 10⁻¹। यही आंसर था वेदांत सर, शायद मैंने से तो NaF की 0.2 मोलर के हिसाब से निकाला था। अच्छा कुछ नहीं था, चल किया ऐसे ही था ना, ये सर किया ऐसे ही था। हाँ तो ये क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए, स्क्वायर की गलती होती है, स्क्वायर मत भूलना कभी, सही ना, स्क्वायर की गलती होती है इसको मत भूलना। अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ये सबका सही होना चाहिए, ये सबका सही होना चाहिए, ढंग से निकालना इसको। KSP ऑफ KSP ले लेते हैं से, चलो ALF3 का KSP ऑफ ALF3 इज, या KSP जगह भी इसको चलो KSP थोड़ा और अच्छा लेते हैं क्वेश्चन को, सॉलिबिलिटी लिख लेते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ ALF3 इज, ALF3 इज 10⁻⁴ मोलर, कैलकुलेट इट्स सॉलिबिलिटी इन एन 0.1 मोलर SRF2। ये देखते हैं कौन निकालता सही, जल्दी से आंसर निकालना फिर आगे लेक्चर स्टार्ट कर दें। हाँ आंसर बोलना किसी को, सर 27/8
सर 27/8 × 10⁻¹३ 27/8 × 10⁻¹³ और किसी को आंसर बोलना है इसका? वही सेम चीज आएगी ना? यस सर, यस सर, मेरा भी। वेदांत तेरा कितना अगला आंसर? सर मेरा भी सेम आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो ए एफ थ्री है, 10⁻⁴ है, तो ये 27s4 होता है, सबको पता है 27s4 यानी 27 × 10⁻⁶ आ जाएगा, यही होता ना केएसपी, AlF3 टाइप की सॉल्ट है, इसलिए अब इसकी सॉल्विटी निकालनी है SRF2 के अंदर। AlF3 टूटेगा Al3+3F- में, तो अगर इसकी सॉल्विटी S है तो इसकी भी S होगी, इसकी 3S होगी। अब SRF2 पूरा टूटेगा SR2+2F-, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है इसलिए ऐसा मान रहे हैं। तो अगर इसकी ये देखा है 0.1, तो ये तो 0.1 होगा लेकिन ये होगा 0.2, तो अब केएसपी इसका दे रखा है, केएसपी होगा इसका Al3+(f⁻³) का क्यूब। Al3+ कितना है? ये है S दोनों के अंदर, f⁻² कितना है? 3s+0.2 का क्यूब। केएसपी है 27 × 10⁻⁶, 3s नेगेटिव हो जाएगा, एस की वैल्यू कम थी जो और कम होनी है, तो यहां से आ जाएगा एस की वैल्यू आ जाएगी 27/8 × 10⁻³। यही है ना आंसर? एक बार चेक कर लेना। यस सर, सबने ये निकाला है, एक बार हैंड से करेंगे जिसका सही था ये क्वेश्चन, जिसका सही है ये। वेदांत, अर्णव, काजल, युविका, नित्या, सिद्धि, कनिष्क, आदित्य, कृष्णा, बॉबी, छवि, बाकी बच्चों को भी आना चाहिए ये, इनके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना ढंग से, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं नीट में या IIT मेंस में, इसको मिस नहीं करना है। अब एक बार रीजॉइन करेंगे जिसमें मैं तुम्हें करवाऊंगा आयनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, आयनिक प्रोडक्ट केएसपी, जब प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने दिए करवाए होंगे पुराने लेक्चर्स में भी, इसमें रिपीट करेंगे एक बार उसको, फिर अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसके बाद, एक बार रीजॉइन करना अभी।